बार 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 सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि भाई इस केस की सुनवाई करिए, लोगों को उनका कानूनी हक नहीं दिया जा रहा, लोगों को 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जा रहा, जब काम करते भी हैं तो उसके पैसे नहीं दिए जा रहे, कई बार पैसे कई कई महीने देरी से दिए जाते हैं। केंद्र सरकार ने इस साल 73,000 करोड़ का बजट बनाया है नरेगा में, देश की सारी गरीब जनता बेरोजगार जनता को मिलकर इस रोजगार के हक की और रोजगार के कानून की लड़ाई लड़नी होगी। जानते हैं कि इस देश में नौकरी की कितनी बड़ी समस्या है, रोजगार की कितनी बड़ी समस्या है, कि आज तो खैर वो समस्या इतनी बड़ी हो गई है जो कि इतिहास में हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई। आज कहा जाता है कि आज 1/4 से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। भाई साहब सामने से दोस्त, और इस संकट से जूझने के लिए एक कानून बनाया गया जो आप लोग सब जानते हैं, मनरेगा का कानून, जिसमें रोजगार का हक तो नहीं दिया लेकिन कम से कम इतना दिया कि गांव में एक एक परिवार में से एक जने को कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा न्यूनतम वेजेस पर, न्यूनतम भत्ते पर। अब उसका जो डिमांड है वो तो चाहे थोड़ा ही है, बहुत थोड़ा दिया गया, लेकिन उसका डिमांड जो है वो पहले 1,00,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है एक्चुअल डिमांड। यानी कि अगर न्यूनतम भत्तों पर उन लोगों को रोजगार दिया जाए जो इस कानून के तहत आते हैं और जो रोजगार की मांग कर रहे हैं 100 दिन की भी या 50 दिन की भी, जितने दिन की भी, तो उस पर खर्चा 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का है, जो कि हमारे देश के पूरी जो आय है उसका बहुत कम प्रतिशत है, 1% से भी कम है। लेकिन वो भी सरकार नहीं दे रही। केंद्र सरकार ने इस साल 73,000 करोड़ का बजट बनाया है नरेगा में, और आज जबकि सिर्फ 5 महीने हुए हैं ऑलरेडी उस पर 48,000 करोड़ का खर्चा हो चुका है, जिसमें से सरकार ने अभी तक सिर्फ 36,000 दिया है और लोगों के जो रोजगार के बिल हैं उसमें 6,000 करोड़ से ज्यादा बाकी है। अब एक तरफ सरकार दावा करती है कि ये तो आम आदमी की सरकार है, ये तो जनता की सरकार है और अच्छे दिन आ गए हैं वगैरह वगैरह, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जहां हिंदुस्तान में हर नागरिक को, जो भी बालिग है उसको अधिकार होना चाहिए कम से कम न्यूनतम वेजेस के ऊपर, उसको रोजगार का कानूनी अधिकार होना चाहिए, और हम लोग इस पर एक कानून ड्राफ्ट कर रहे हैं, छोटा सा कानून होगा जिसमें हम कह रहे हैं कि चाहे आप गांव में रहते हो चाहे आप शहर में रहते हो, हर नागरिक को सिर्फ 100 दिन का नहीं, पूरे 365 दिन का, पूरे साल का अधिकार है कम से कम न्यूनतम वेजेस पर उनको रोजगार मिलने का। और अगर सरकार वो ना दे पाए किसी भी वजह से तो उसका कम से कम आधा पैसा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के तौर पर सब नागरिकों को मिलना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार तो इसका अनदेखा कर ही रही है, लोगों को क्योंकि पैसा नहीं दिया जा रहा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता, एम्प्लॉयमेंट भी अगर दिया जाता है तो उसके वेजेस नहीं दिए जाते, उसका पैसा नहीं दिया जाता, तो इसलिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, इस धरने के लिए आपको आना पड़ा क्योंकि सरकार बहरी हो गई है, उसके कान में कुछ सुनाई दे, लोगों की गूंज सुनाई दे, इस वजह से आप लोग को आना पड़ा। अब ये जरूरी है कि हमको पूरा एक देशव्यापी आंदोलन सिर्फ नरेगा के लिए नहीं,
रोजगार के कानून के लिए, रोजगार के हक के लिए, ये एक बुनियादी अधिकार है हर नागरिक का। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे मौलिक अधिकार में धारा 21 जो है, आर्टिकल 21 जो आपको जीने का अधिकार देता है, इसका मतलब है कि न्यूनतम जो जरूरतें हों हर नागरिक की वो पूरी होनी चाहिए, और उसमें न्यूनतम वेजेस पर रोजगार एक जरूरत है जो हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए, जिस पर एक कानून बनना चाहिए जो नरेगा की तरह हो लेकिन नरेगा से काफी आगे जाता हो। लेकिन आज तो हम उतनी भी डिमांड नहीं कर रहे, आज तो आप लोग आए हैं कि भाई कम से कम जो कानून बना हुआ है उसके तहत जो लोगों को मिलना चाहिए वो तो दे सरकार। इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिया कि भाई ये पैसा रिलीज करिए, कई साल पुराने आदेश हैं, लेकिन कई साल से ये केस की सुनवाई ही नहीं हुई। हम लोग बार 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 सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि भाई इस केस की सुनवाई करिए, लोगों को उनका कानूनी हक नहीं दिया जा रहा, लोगों को 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जा रहा, जब काम करते भी हैं तो उसके पैसे नहीं दिए जा रहे, कई बार पैसे कई कई महीने देरी से दिए जाते हैं, उसके बारे में भी कानून में लिखा है कि उसका कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, वो भी नहीं दिया जा रहा, तो हर तरह से कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस केस को लगाया ही नहीं। हम बार बार चीफ जस्टिस से गुहार लगा चुके हैं कि भाई इसकी सुनवाई तो करिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लगा नहीं। खैर, हम लोग कोर्ट में तो लड़ते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को, आप जैसे आज यहाँ आए हैं, हमको ज़रूरी है कि सारे पूरी जनता को मिलकर, इस देश की सारी गरीब जनता, बेरोजगार जनता को मिलकर इस रोजगार के हक की और रोजगार के कानून की लड़ाई लड़नी होगी और सड़कों पर उतरना होगा। और आज जो आप लोग आए हैं, मुझे देखकर उम्मीद है कि इस देश में अगले एक दो साल में एक बहुत बड़ा आंदोलन रोजगार का खड़ा होएगा आप लोगों के साथ। तो आप लोगों को मेरा पूरा समर्थन है, आप सब लोगों को मेरा जिंदाबाद, और जैसे मेधा पाटकर कहती हैं कि आज चाहे कितना भी खराब दौर चल रहा हो, लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा जब कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा।